हेलो गाइस दोस्तों स्वागत है आपका आज सपोर्ट के सिक्सटी फिफ्थ अपिसोड में और जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग इसमें क्यों मना करते हैं आपके सवाल हमारे जवाब इस हफ्ते भी हमने लगभग दस कमेंट्स को लाइनअप किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं अच्छे हैं यूनिक हैं तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला कॉमेंट्स से अकूब अहमद पूछते हैं कि संदीप महेश्वरी को क्या हो गया है यूट्यूबर से केवल कोलेबरेट क्यों कर रहे हैं आजकल बिल्कुल बिल्कुल संदीप महेश्वरी सर जो है क्या करें बेचारे बताइए आज लगभग पाँच छः साल से वो भी लोगों को मोटिवेट किए जा रहे हैं मोटिवेट किए जा रहे हैं लोग भी देखिए मोटिवेट हुए जा रहे हैं हुए जा रहे हैं कुछ कर है ही नहीं रिमोटिवेट होके मोटिवेट, हो मोटिवेट इसलिए किया कि कुछ करो अब कितने दिन तक बस सुनते जाओगे सुनते अरे भाई कुछ करो सक्सेसफुल कब बनोगे बूढ़े हो जाओगे ऐसे ही उन्हें लगा कि शायद लोगों की ज़िंदगी ना बर्बाद हो जाए इसलिए उन्होंने ये चीज़ अब मोटिवेशन बंद कर दिया और लोगों को यूट्यूबर्स को बुलाया कि हाँ अरे गाइस जस्ट जोकिंग यूट्यूबर्स भी वो लोगों को बुला रहे हैं जो कि इंस्पायरिंग है कहीं ना कहीं कुछ पोजिशन होल्ड किए हुए हैं ताकि वो इन्फ्लुन्स कर सके लोगों को मोटिवेट कर सके एनी हाउ एक कंटेंट चेंज कर रहे हैं और दूसरी चीज ये है कि कोलैबोरेशन तो कोलैबोरेशन है ही एक तरह का ये जिससे कि दोनों को म्यूचुअल फ़ायदा होगा जैसे मान लीजिए अभी सौरभ जैसी जोशी के साथ कोलैबोरेशन उनका है तो अब सौरभ जोशी के ऑडियंस ज्यादातर बच्चे वगैरह होते हैं या फिर लोअर एज ग्रुप के छोटे बच्चे और संदीप जी के जो ऑडियंस है वो मैच्योर हैं तो डेफिनेटली एक काफ़ी लोग इधर से भी उधर जाएंगे उधर से भी लोग इधर जाएंगे जानेंगे एक दूसरे को जो नहीं जानते होंगे तो आई थिंक कि यहाँ पे दोनों को फ़ायदा होगा इसलिए आ, एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है दोनों के लिए और संदीप सर ने के का भी एक दोनों काम पूरा हो जाएगा मोटिवेशन का मोटिवेशन भी और ऑडियंस भी थोड़ा ज़्यादा ब्रॉडर जो कि नए लोग हैं वो भी आ जाएंगे अब जो कि बूढ़े बुजुर्ग वगैरह सुनते थे तो आई थिंक ये एक बेहतर इनिशिएटिव है अगला सवाल है कि चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइंस वार्निंग स्ट्राइक कितने दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है और क्या उससे कोई प्रॉब्लम होता है देखिए चैनल से यूट्यूब चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइंस का जो स्ट्राइक होता है वार्निंग वाला जो पहली बार आता है वो एक्सपायर नहीं होता कभी भी है ना बाकी उसके बाद जो आएगा आपको स्ट्राइक पहला दूसरा तीसरा वो पहला और दूसरा 90 90 दिन के बाद एक्सपायर हो जाते हैं तीन कंटिन्यूस 90 दिन के अंदर स्ट्राइक आएंगे तो चैनल डिलीट हो जाएगा आपका तो वार्निंग स्ट्राइक कभी भी एक्सपायर नहीं होता हमेशा आपके चैनल पे रहता है रिमाइंडर की और उसका कोई दिक्कत भी नहीं है है ना अब बहुत लोगों को लगता है कि वॉरिंग स्ट्राइक एक लगता है ऑड ऊपर में लिखा रहता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमारे चैनल पे भी है और बहुत लोग हर लोग नए जब शुरुआत करते हैं तो गलतियाँ करते हैं तो उसके लिए कोई इशू नहीं है ठीक है तीसरा सवाल है सब्सक्राइब हाइड करने का फीचर यूट्यूब ने क्यों हटा दिया ये तो अच्छा फीचर था देखिए आपके लिए अच्छा था कुछ लोगों के लिए अच्छा था लेकिन यूट्यूब पर यूट्यूब पर अलावा बहुत से लोग क्या किए थे ना पॉपुलर पॉपुलर जो यूट्यूबर्स थे Uh, उनके नाम पे चैनल बना के और लोग अपने सब्सक्राइबर हाइड करके वीडियो वायरल हो जाता था तो पता ही नहीं चलता था कि कौन ओरिजिनल सब्सक्राइ uh, कंटेंट क्रिएटर का चैनल है तो इस यही मेन वजह है इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न जिसकी वजह से ये फीचर को हटाया जा रहा है कहीं ना कहीं जो डिमेरिट्स थे वो ज़्यादा हो गए थे मेरिट के कंपैरिजन में इसलिए यूट्यूब ने डिसाइड किया कि हमने सब्सक्राइबर हाइड करने का फीचर जो है वो हटा दे यूट्यूब से ट्वेंटी ऑफ दिस मंथ ये हट जाएगा अगला सवाल है YouTube पर 100 के व्यूज़ का कितना पैसा मिलता है बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है देखिए कैटेगरी टू कैटेगरी वैरी करता है लेकिन एक एवरेज बता दिया आपको कि 5000 व्यूज़ पे एक डॉलर के आसपास अब किसी कैटेगरी में अगर चैनल पुराना है कोई टेक्निकल नॉलेज वाला चैनल है टेक्नोलॉजी वाला तो उसमें एक व्यू पर भी मिल जाता है एक डॉलर उससे कम पे भी मिल जाता है लेकिन वैरी करता है बहुत देखिए जितना डिमांड है उस चैनल का जैसे अगर बहुत पॉपुलर चैनल है किसी कैटेगरी का तो उस पर डेफ़िनेटली बहुत से एडवर्टाइजर एडवर्टाइज़ करेंगे तो गूगल उसका रेट बढ़ाया है उस चैनल का तो अल्टीमेटली वो महंगा हो जाता है उस पर और बाकी नए नए चैनल पर सस्ते होते हैं तो ये थी चीज़ है तो पाँच हज़ार व्यू पे एक डॉलर से लेके पाँच सौ व्यू पे एक डॉलर भी मिलता है लोगों को डिपेंड करता है चैनल के स्टेटस ठीक है अगला सवाल है कि YouTube की अर्निंग एडसेंस में कहाँ देखा जाता है देखिए अब पहले YouTube की अर्निंग Google Adsense में डेली आप देख सकते थे कितना हो रहा है लेकिन अब ये फ़ीचर हटा दिया गया है और आ, अब आपका YouTube की अर्निंग आप YouTube ऐप में ही देख सकते हैं क्रिएटर स्टूडियो में जो है उसमें आप रेवेन्यू टैब में देख सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल चैनल है तो आप अलग अलग एक ही से का मल्टीपल है तो आप सबके चैनल पर जाइए और उस चैनल पर एनालिटिक्स सेक्शन में आप देख लीजिए रेवेन्यू में क्या है रिपोर्ट और ऐड कर लीजिए खुद से बाकी के आ, जो हर महीने के आठ से दस तारीख के बीच पिछले महीने का जितना भी दो जितने भी चैनल्स हैं आपके सबकी अर्निंग्स ऐड होकर वहाँ पर आ जाती है और आपको इक्कीस को मिल जाता है ठीक है अगला सवाल है मिररलेस कैमरा वर्सेज़ डी एस एल आर विच इज़ बेटर फॉर यूट्यूब वीडियो देखिए मिररलेस कैमरा तो कहीं ना कहीं बेहतर है आज के रेट में और उसी का डिमांड है काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई वुड से गो फॉर मिररलेस राजा दैन डी आज के डेट में फ्यूचर को देखते हुए वो के वो के काफ़ी अच्छा रहता है मिररलेस में डी एस में भी अच्छा रहता है लेकिन मिररलेस में एक स्टेप ज़्यादा अच्छा रह रहा है अब जवाना स्विच कर रहा है mirrorless पे दोस्तों, ठीक है उसके बाद अगला सवाल है मेरी आपकी मशरूम की बिजनेस की ट्रेनिंग आपने मशरूम की बिजनेस की ट्रेनिंग कहाँ से लिया था देखिए मैंने नहीं लिया था मशरूम की बिजनेस की ट्रेनिंग मेरा छोटे भाई ने लिया था और उत्तराखंड से कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ से लिया था बट बहुत ज़्यादा जरूरी है कि प्रैक्टिक प्रैक्टिकली आप कीजिए आप ट्रेनिंग ले लेंगे तो ऐसा नहीं है लॉस हो जाएगा आपको बहुत से उसमें क्रिटिकल बीमारियाँ लग जाती हैं बहुत से प्रपोजल्स होते हैं कि किसको कितना मिलाना है तो ट्रेनिंग लीजिए और धीरे धीरे शुरू कीजिए प्रैक्टिकली तो आपको नॉलेज होगा एक बार लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन मत कीजिएगा नहीं तो लॉस हो जाएगा काफ़ी अगला सवाल है सर नेक्स्ट ब्लॉग कब आ रहा है जल्दी 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 आएगा नोवरीज़ पाँच नाइन्थ सवाल है टेक्निकल योगी के साथ कोलैब कीजिए सर सबके साथ किया योगी जी के साथ नहीं किया चलिए वो भी तमन्ना तो पूरी हो जाएगी या तो योगी जी को कहिए हमारे घर आने के लिए तो आ, हम 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 कभी जाएंगे राजस्थान तो फिर उधर मिलेंगे <laughs> हम तो कहीं जाते नहीं हैं ज़्यादा सर बट हो जाएगा सोचें प्लान करते हैं बट कभी हुआ नहीं है एक बार तो बहुत क्लोज हो गया था कि आ जाएंगे आ जाएंगे लेकिन कैंसिल हो गया ठीक है टेंथ सवाल है कितना साल हो गया प्लीज़ मीटअप कीजिए सर कहीं अरे हाँ मीटअप मीटअप देखिए अब ज़्यादा फैंस तो रहे नहीं ठीक है आ, एक मीटअप रखूँगा पक्का 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 अब कहाँ होगा मैं आपको जल्दी ही अनाउंस करूँगा ओके okay, गाइज तो ये थे कुछ दस क्वेश्चन इस बार के जो मैंने पिकअप किए हैं कमेंट सेक्शन में अगर आपके स्टिल कुछ सवाल हो कुछ जवाब हो तो प्लीज़ आस्क इन द कॉमेंट हम नेक्स्ट के बने मैं रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे थैंक यू गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय